मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं, कांग्रेस पार्टी ने आपके 15 साल बर्बाद कर दिए। वो बड़ी पार्टी थी, पुरानी पार्टी थी, तो उसकी बर्बाद करने की ताकत भी जरा ज्यादा थी, तो उसने 15 साल तक वो काम किया। फिर दूसरे टेम्पररी आए, वे छोटे थे, नए थे, ताकत कम थी, तो 15 साल तो बर्बाद नहीं कर पाए, एक साल आपका तबाह कर दिया इन लोगों ने। अब हमारी जिम्मेवारी है इन 16 साल की बर्बादी में से दिल्ली को बाहर निकालना, 16 साल की गलतियों को सुधारना और विश्व में गौरव के साथ सीना तान करके कह सके ऐसी देश की राजधानी बनाना, ये बहुत बड़ा भगीरथ काम, उस काम को करने के लिए हमने बीड़ा उठाया है। हाथी के चबाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और बेशर्मी देखिए, बेशर्मी देखिए, और उनके बचाने वालों को मैं खास पूछना चाहता हूं, उनका तो एक चरित्र है, वो करते हैं, अब देश की जनता जान रही है, लेकिन उनको बचाने के जो लोग जो मशक्कत कर रहे हैं उनके लिए भी मुझे मन में सवाल उठते हैं, ये कैसे लोग हैं? लोग पूछते हैं उनको कि भाई आपने तो कहा था हम किसी का समर्थन नहीं लेंगे, तो आपने फिर सरकार में समर्थन क्यों लिया? तो कहते हमने मांगा नहीं था, उन्होंने दिया था। फिर कहते थे हम तो मेट्रो वाले हैं, लोगों ने पूछा चार्टर प्लेन में क्यों गए थे, अरे हमने नहीं मांगा था, वो तो उन्होंने दिया था। फिर पूछा गया क्या विदेश बिजनेस क्लास में क्यों गए, तो बोले हमने थोड़ा मांगा था, उन्होंने दिया था। अब बारी चंदे की आई तो बोले हमने थोड़ा मांगा था, उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिया था। क्या कमाल है भाई, क्या कमाल है, झूठ बोलने की ताकत देखो। राजीव गांधी को परेशानी ज्यादा इसलिए हुई कि उन्होंने अपने आप को मिस्टर क्लीन दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था, और जब अपने आप को मिस्टर क्लीन कर करके दुनिया के सामने रखा था और जब दुनिया ने देखा कि मिस्टर क्लीन नहीं है, फिर देश ने उनको माफ नहीं किया, और इसलिए जो अपने आप को बड़ा ईमानदार बताते थे उनकी बेईमानी जब आंखें खोल देने वाली बेईमानी। और भाइयों बहनों, काले धन की चर्चा तो बराबर हो रही है देश में, काले धन के प्रति बड़ी नफरत भी पैदा हुई है, लेकिन काली रात, आधी काली रात, घनघोर काली रात, और घनघोर काली रात में काले धन के काले कारनामे, ये तो देश में पहली बार पता चला है। लोग हम पर इस बात की आलोचना करते हैं कि आप ऑर्डिनेंस क्यों लाए, हमारे कांग्रेस के वाले दिन रात चिल्लाते हैं ऑर्डिनेंस क्यों लाए, ऑर्डिनेंस क्यों लाए, हम ऑर्डिनेंस क्या लाए भाई? ई रिक्शा वालों को कानूनी सुरक्षा मिले, मुझे बताइए ये ई रिक्शा वालों की मदद करना ये गुनाह है क्या?
ई रिक्शा वालों का भला करना गुनाह है क्या? अगर ई रिक्शा वालों की मदद करने के लिए हमें ऑर्डिनेंस लाना पड़ा तो लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आखिर सरकार किसके लिए है? सरकार गरीबों के लिए है, सरकार रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए है, और इसलिए हम लाए हैं। जिनको इसके कारण तकलीफ होती है वो ई रिक्शा वाले लिख करके रखो, ये ऑर्डिनेंस के विरोध करने वाले लोग आपके विरोधी हैं। दिल्ली के आसपास गांव है, कई गांव के लोगों को रास्ते नहीं चाहिए क्या? गांव के लोगों को अच्छे रास्ते चाहिए कि नहीं चाहिए? गांव के लोगों को अच्छे अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? गांव के लोगों को अच्छे स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? गांव के लोगों को मेट्रो की सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गांव के लोगों को पीने का शुद्ध पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए? गांव के नौजवानों को रोजगार के लिए वहां पर कारखाने खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? गांव के गरीब पर रहने के लिए अफोर्डेबल हाउस बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीबों की भलाई के लिए मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन अगर जमीन ही नहीं होगी तो कहां से बनाओगे? गरीब को मकान कहां से दोगे? गांव के बच्चों को स्कूल जाना है, रास्ता कहां से बनाओगे? भाइयों बहनों, हमने काम किया है, और मैं मेरे गांव के किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, आपकी भलाई के लिए जितना होगा उसी काम के लिए जमीन का उपयोग होने वाला है, किसी धनपतियों के लिए जमीन का उपयोग होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा इन सबके बैंक अकाउंट खोलें, और अब जो भी मदद सरकार से देनी है सीधी सीधी उसके बैंक अकाउंट में जाएगी, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। भाइयों, करप्शन कैसे हटता है ये उसके रास्ते होते हैं। दोस्तों, हम ऐसी व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं, हम ऐसे नियमों को लागू करना चाहते हैं कि करप्शन की संभावना ही खत्म होती चली जाए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं ताकि सामान्य मानवी को उसका हक का मिलता चले। अभी एलपीजी गैस सिलेंडर दुनिया की सबसे बड़ी घटना है, दुनिया की सबसे बड़ी घटना। 10 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट में गैस सिलेंडर की सब्सिडी के पैसे जमा हो गए। भाइयों, अकेले दिल्ली में 22 लाख परिवारों के खाते में पैसे चले गए, 75 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गए, और भाइयों बहनों कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। वरना पता नहीं पहले क्या होता होगा। हम सीधा सीधा जनता की भलाई के लिए काम करने वाले लोग हैं, मेहनत करते हैं, दो टाइम पेट भरते हैं, पक्का मकान हो उनकी भी तो आशा है, हर गरीब परिवार कौन हो उसके दो सपने अवश्य होते हैं, एक बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और दूसरा अपना खुद का एक घर हो, छोटा सा क्यों ना लेकिन खुद का घर हो। हर कोई चाहता है कि नहीं चाहता है? भाइयों, आजादी के इतने सालों के बाद कम से कम छत मिले ये अपेक्षा है कि नहीं है? हमने ठान ली है भाइयों, मैंने कठिन काम करना ही मेरा स्वभाव है भाइयों, और इसलिए हमने ठान ली है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे उस समय हिंदुस्तान में हर गरीब को उसका अपना घर मिलना चाहिए, जहां झुग्गी है, जहां झोपड़ी है, वहीं पर इमारत बनाई जाए और वहीं पर उसको दिया जाए, ताकि वो रोजी रोटी कमाने के लिए वहीं जाता है, ताकि उसकी रोजी रोटी खत्म ना हो जाए।